गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान हम टीम मंथन की तरफ से आपको घर बैठे घर से पढ़ाओ अभियान शुरू कर रखा है और आपको ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपको घर बैठे हम सब कुछ वो करवाएं जो आप स्कूल के अंदर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर मैटर हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, शब्द। शब्द शब्द क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी ध्वनियां निकालते हैं, वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन, जब हम उनको मिला के एक शब्द बनाते हैं और वह एक रूप ले लेता है, वर्णों का जोड़। वर्णों का जोड़ ही क्या है, हमारा शब्द। और उस शब्द का एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थ होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे, तब सब उसको शब्द बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं और हम इसको समझते हैं डिटेल से। शब्द विचार, स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो वह क्या बन जाता है, हमारा शब्द। अच्छा, क्या आप कोई ऐसा नहीं कोई शब्द बताएंगे जो सिर्फ वर्णों यानी कि स्वर के मेल से बनता है, सिर्फ स्वरों के मेल से? कोई ऐसा शब्द बनाए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो यानी कि स्वर और व्यंजन से मिलकर यदि कोई हमारा शब्द बनता है और उसका एक मीनिंगफुल यानी कि डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए, उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी जाके हमारा वह शब्द कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा को लिखें तो आप अपना कॉपी पेन उठाएं और इसको लिख लीजिए। क्या लिखना है, स्वर व व्यंजन के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिखें आप इसको, स्वर व व्यंजन के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके भेदों की बात करें कि जो शब्द है इसके कितने भेद हैं, यानी कि किस किस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला अगर हम करें रचना के आधार पर यानी कि जो रचित किया गया है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। इनको हम डिटेल में करते हैं, पहले इनके पार्ट हम जान लेते हैं, ये सब आप लिख लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्रोत के आधार पर, यानी कि जो इतिहास के अंदर लिखे हुए मिले हैं हमें, उनके आधार पर शब्द जो है हमारे, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी है एवं संकर शब्द है। तीसरा जो हमारा पार्ट है इसका, व्याकरण के आधार पर जैसे विकारी और अविकारी शब्द हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और जो अंतिम हमारा पार्ट है इसका, अर्थ के आधार पर, यानी कि सार्थक और निरर्थक, सार्थक मतलब अर्थ के साथ और निरर्थक मतलब बिना अर्थ के साथ। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो हमने पहला पॉइंट बताया था आपको, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्दों को हम परंपरागत शब्द भी कहते हैं, मतलब जो हमारे प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, जैसे कमल है, पानी है, घर है, हाथी है, इस प्रकार के जो शब्द है हम प्राचीन समय में उनको ऐसे ही यूज करते रहे थे और आज भी हम उनको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं, परंपरागत शब्द, या उनको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है यौगिक शब्द। यौगिक, योग से जैसे हमें पता चल रहा है कि मेल, कि जो दो शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि उनके अंदर दो शब्द होते हैं और उनको मिलाकर एक नया शब्द जो विकसित होता है वह कहलाता है हमारा यौगिक शब्द। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण, रसोई घर, रसोई घर, पुस्तकालय, विद्यालय, यानी कि पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, दो शब्दों से मिलकर यह जहां पर पुस्तकें रखी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय, विद्यालय, विद्या जमा आलय, जहां पर विद्या ग्रहण की जाती है। इस प्रकार जो शब्द बनते हैं हम उनको बोलते हैं यौगिक शब्द, समझ आया। तो इसके बाद है हमारा योग रूढ़, जो तीसरा पॉइंट है रचना के आधार पर वो है योग रूढ़। योग रूढ़ दो शब्दों का मेल तो होता है, दो शब्दों के मेल से
ये शब्द बनते हैं, लेकिन जो इनका अर्थ है वह परंपरागत अर्थ निकलता है। जैसे हम शब्द लेते हैं यहां पर पीतांबर, पीतांबर आपने सुना ही होगा, पीला है अंबर जिसका, यह शब्द कृष्ण के लिए यूज होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि किसके लिए, शिव के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। दशानन, दस है आनंद यानी कि मुख जिसके, रावण के लिए यह प्रयोग में होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो दो शब्दों के योग से तो बने होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ है वह परंपरागत अर्थ निकलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे कमल नयन है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप उनको ढूंढो और उन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, स्रोत के आधार पर, या इसको बोल सकते हैं हम इतिहास के आधार पर, जो हमें प्राचीन इतिहासों से, ग्रंथों से हमें जो शब्द प्राप्त होते हैं उनको हम रचना स्रोत के आधार पर बांटते हैं। और सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा उसके अंदर, वो आता है तत्सम शब्द। तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में एज इट इज, जो के त्यों प्रयोग किए गए हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं और उनको हमने हिंदी भाषा में भी ऐसे ही स्वीकार कर लिया है, उन शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। कौन कौन से हैं, जैसे हम ले सकते हैं सूर्य है, सत्य है, कार्य है, इस प्रकार के जो शब्द हैं संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो आज भी ऐसे ही हिंदी के अंदर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो हम उनको कौन से शब्द बोलेंगे, तत्सम शब्द। उसके बाद जो है हमारा तद्भव शब्द, दूसरा जो पॉइंट है तद्भव। तद्भव का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से तो बने हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यह प्राचीनतम भाषा है, इससे हमारी जो आगे जो भाषाएं का, जो भाषाओं का विकास हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो जो शब्द संस्कृत से बने बट उनका रूप जो है वो चेंज हो गया है, उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे देख लेते हैं हम हस्त, हस्त जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है, हस्त का मतलब होता है हाथ। चंद्र, चांद, कर्ण, कान, तो ये शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द है और आज हम हिंदी में इसका बदला हुआ रूप पाते हैं। स्वर्ण से बन गया सोना और दिवस से बन गया दिन, इस प्रकार के जो ये शब्द है ये कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, तो आगे जो हमारा है वो है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, बोलियां होती हैं, उनमें से कुछ शब्दों को हम यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से निकलने वाले शब्द। जैसे फावड़ा है, पगड़ी है, छज्जा है, खिचड़ी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है विदेशी, यानी कि विदेशी भाषाओं से, जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उनसे जो शब्द हम हिंदी के अंदर यूज करते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी और फारसी या उर्दू के जो हमारे शब्द हैं वो शब्द इंग्लिश भाषा में हम यूज करने लगे हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, स्कूल है, जमीन है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हम हिंदी में उनको लिखने लगे हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द वो क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशी शब्द। आगे हमारे संकर शब्द, कौन से होते हैं, ये वे शब्द जो हिंदी और विदेशी शब्दों से मिलकर बने हैं, हम उनको यूज करने लगे हैं। जैसे रिक्शा वाला, आइसक्रीम वाला, इस प्रकार के जो शब्द हैं, रेलगाड़ी है, मोटरगाड़ी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, यानी हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज का मिक्सचर। आगे हमारा व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, कौन से शब्द हैं हमारे, विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम करते हैं विकारी शब्द किन्हें कहते हैं। विकारी मतलब विकार होना, परिवर्तन होना, चेंज होना। तो जो शब्द किन्हीं कारणों से परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे शब्द जो किन्हीं कारणों से अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और ये शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि वचन कारक और काल के कारक, इनके अंदर परिवर्तन
आ जाता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं लड़का, लड़की, चेंज हो गया ना, जेंडर चेंज हो गया ना, लिंग चेंज हो रहा है, लड़के प्लूरल में बन गया, लड़कों। तो इस प्रकार के जो हम यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द है, उनके अंदर किसी न किसी कारण, यानी कि वो वचन के कारण भी हो सकता है, लिंग के कारण भी, कारक के कारण भी और काल के कारण भी परिवर्तन हो सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा अविकारी शब्द, यानी कि अविकारी शब्द जो हर स्थिति में समान रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का, किसी भी काल के कारण या इनमें से जो भी कारण दे रखे थे उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अविकारी, ठीक है, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमेशा शब्द है, वह हमेशा से खाता रहा है, वह हमेशा से खाएगा, वह हमेशा से खाता है, तो हमेशा जो शब्द है वह उसके ऊपर काल का या किसी का जो है वो है उसमें कोई इसका रूप नहीं बदलता। बिल्कुल, धीरे धीरे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अविकारी होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। आगे जो हमारा अर्थ के आधार पर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, अर्थ के आधार पर यानी कि मीनिंग, इस पे हम दो इसके पार्ट कर सकते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब अर्थ वाले, मीनिंगफुल जिनको हम कहते हैं, जिनके कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे जल है, फल है, घर है, अनाज है, इस प्रकार के जो शब्द है उनका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता ही है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं निरर्थक शब्द, यानी कि हम उनको सार्थक शब्दों के साथ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उनका सार्थक शब्दों के साथ, तो वो शब्द निरर्थक शब्द होते हैं, उनको हम लिखने में उनका प्रयोग हम नहीं करते, उनको हम बोलने में यूज करते हैं। जैसे हम बोलते थे ना कि चाय वाय बना दो, है ना, तो इस प्रकार के जो शब्द है जैसे किताब, किताब, इस प्रकार जो शब्द है ये हम, अब इसके अंदर वाई जो शब्द है, चाय वाय, वाय का मतलब कुछ नहीं होता, किताब विताब, विताब का मतलब कुछ नहीं होता, जबकि चाय और किताब ये सार्थक शब्द है और वाय और विताब ये हमारे निरर्थक शब्द है जिनका अर्थ नहीं निकलता। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ग्रामर का शब्द विचार, वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर जो हमारे जो ये शब्द आए हैं, अविकारी, विकारी, रूढ़, देसी, विदेशी, इनको हम आने वाले वीडियोस के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगले लेसन में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।